क्या सर? ओ जी सर, DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. ये हम लोगों ने दरगाह से सुलझे सभी संबंधित पक्षों ने जी. हमारे एमएलए साहब ने भी और टंडन साहब ने सबने मिलकर के हमने सुझाव यही दिया है कि दरगाहें अब और जितने भी धार्मिक स्थल हैं मंदिर हैं सब अब खुले जाने चाहिए. कोई सिस्टम अगर अडॉप्ट करना है तो सरकार हमें गाइडलाइन दे. जो भी इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट बॉडी है उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगी. लेकिन दरगाहों से मंदिरों से जो हज़ारों लाखों लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है वो लोग बहुत दिनों से 3 महीने से बेरोजगार की तरह एक तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसको खोला जाना अति आवश्यक है. सरकार हमें गाइडलाइन दे, कुछ क्वेश्चन दे, हम उसको फॉलो करेंगे, उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा. लेकिन हमने सबने मिलकर के यहाँ एक डिमांड करी है कि अब वक्त आ गया कि अब इसको धार्मिक स्थलों खोला जाए. क्योंकि जिस तरीके से हम दो वक्त का खाना खाते हैं ना हिंदुस्तानी, उस तरीके हिंदुस्तानी दोनों वक्त मंदिर और मस्जिद में जाते हैं. तो हमारे यहाँ पर धार्मिक आस्थाएं बहुत हैं, दरगाहें खुले हैं, मंदिर मस्जिद खुले हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हमें इस संक्रमण से भी लड़ना है उसका भी ध्यान रखें. सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन बना दे, उसको फॉलो किया जाएगा और इसको खोला जाए. कि भारत सरकार ने रिलीजियस स्थान खोलने के लिए 26 गाइडलाइंस बनाई हैं, वो मैंने प्रस्तुत की. अब उसमें से अधिकांश ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, एग्जीक्यूट की जा सकती हैं. ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका प्लान क्या है, ये तो वो हो गया जैसे मास्टर बच्चों से पूछे कि मैं क्या पढ़ाऊँ. इनके पास कोई प्लान नहीं है. इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि 3 महीने हो गए और बंद है तो भी जो इस समय संक्रमित लोग आ रहे हैं और बाकी भी सब चीज़ें खोल दी, रेलवे से लेकर के मॉल से सब आपने खोल दिए. तो धार्मिक स्थल चरणों में खोले जाएं. पहले चरण में जो छोटे मंदिर हैं जहाँ 50 से 100 की संख्या है उसको तुरंत खोला जाए. उसके अनुभव के आधार पर 100 से 500 वाले खोले जाएं और फिर बाद 500 से बड़े वाले खोले जाएं. तब तक ऑनलाइन की भी व्यवस्था की जाए दर्शनों की और उसके साथ इनके 500 ऊपर वालों के अनुभव के आधार पर करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का करें, जो गाइडलाइंस हैं उसका तो हम पालन करें. लेकिन आज सब खुल जाए केवल 3 महीने तक धार्मिक भावनाओं को आदर करते हुए इनको तत्काल छोटे मंदिर पहले खोलने के चरण करें, फिर दूसरे तीसरे चरण में खोलते हुए हाँ बड़े सम्मेलन बड़े मेले इस पे अभी निश्चित रूप से नियंत्रित करके बंद किए जा सकते हैं. हमने अंजुमन सैयद खान की जानिब से तमाम खुदाम ख्वाजा के हित को ध्यान में रखते हुए और दरगाह से जुड़े हुए जो 2000 परिवार हैं जो खुदाम हजरात के हैं जिनकी आजीविका दरगाह से जुड़ी हुई है, उसके अलावा कम से कम 15,000 परिवार 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह खुलने से ही जिनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है. तो हमने अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से ये बात रखी है कि दरगाह को खोला जाए. कुछ लोगों का ये कहना है कि 31 जुलाई तक धार्मिक स्थल बंद रहे हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर ये कहा कि हमसे 20 मार्च को जब दरगाह खाली कराई गई थी तो 31 मार्च तक के लिए कहा था. हमने लोगों से पालना करवाई, लोगों ने हमारी बात को माना और बखूबी पालना की. उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल का कहा, लोगों ने उसको भी माना. करते करते ये 30 जून तक बात आ गई तो आज तक हम पालना कराते आए हैं. हमने ये बात रखी है कि लोगों के सब्र की भी एक इंतहा होती है, लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, लोगों के चूल्हे वहाँ से जलते हैं. लिहाजा 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जिनकी आजीविका चलती है और जितने खुदाम हजरात हैं उनकी बड़ी आस्था दरगाह में हाज़िरी देने की है. और खुदाम हजरात ने ख्वाजा साहब की दरगाह जब से खुली हुई है हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, अपने पेट पे पत्थर बांध करके, चाहे खाने का मिला हो या ना मिला हो, हमेशा ख्वाजा साहब की खिदमत की है. और आज भी हमने वो सब पालना करवाई. हमने ये सुझाव रखा है कि दरगाह खोली जाए और जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है, महामारी की बात है, उसकी हम हमारे लोगों से भी पालना कराने की कोशिश करेंगे और जितने श्रद्धालु आएंगे उनसे भी पालना कराई जाएगी जिस हद तक मुमकिन है. अब ये पूरा देश ही खुल गया है, सिर्फ धार्मिक स्थल क्यों बंद रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जब अनलॉक किया है आपने, आपने पूरे शहर को खोल दिया, सारे मार्केट खुल गए, सिर्फ धार्मिक स्थल बंद हैं. तो जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है तो उसकी तो पालना करनी चाहिए. हम भी उसको करते हैं, हम भी कहते हैं जान है तो जान है, लेकिन लोगों की जो आजीविका है उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं आप?
कब तक लोग बेसब्र सब्र करते रहेंगे? आखिर उनके भी तो सब्र का कोई ख्याल रखना चाहिए, या तो कोई आर्थिक रूप से उनकी कोई सहायता होनी चाहिए। किस तरीके से उनका तो दरगाह से ही लेना देना है सब कुछ, सारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसके अलावा कुछ करते भी नहीं है। तो लिहाजा हमने पुरजोर तरीके से तमाम खुद्दाम खादिम और दरगाह से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो मार्केट के लोग हैं, हमारे जितने भी परिवार हैं, सबकी तरफ से हमने पुरजोर तरीके से ये अपील की है कि धार्मिक स्थल खोले जाने चाहिए और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है उसकी पालना कराने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, प्रशासन ने आज मीटिंग रखी थी और मैं समझता हूँ कि ये जो सभी लोगों ने जो आज अपना राय दी है वो ये राजस्थान सरकार को भेजेंगे। तो हमने दरगाह की तरफ से कहा है कि भाई लगातार हमने इस लॉकडाउन की पालना की है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि लोग यहाँ पे जियारत के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो खुदाम हजरात है, उसके अलावा जो व्यापारी है वहाँ पे सामने, वो व्यापारी ऐसे भी जो छोटे ठेले लगाने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। या तो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको मंथली कुछ दे, अन्यथा जब देश के अंदर जब एयरलाइंस चालू हो गई है, रेलवे चालू हो गए, मॉल खुल गए हैं, और ये देखिए कि शराब की दुकानें भी खुल गई है, तो ये भारत जो है धार्मिक देश है, ये यहाँ पे आस्थाओं का देश है, तो एक गाइडलाइन बना के दरगाह को और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को और छोटे मंदिर जितने भी धर्म स्थल हैं उन सब को भी खोलना चाहिए, लेकिन लोगों को साथ में जो सरकार गाइडलाइन बनाए, जो केंद्र सरकार ने 26 पॉइंट की जो गाइडलाइन बनाई है उसको किस तरीके से उसकी पालना करनी चाहिए, तो वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे दरगाह का है और पुष्कर का या छोटे मंदिर का, वो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उसको फॉलो करवाए, ताकि हमको कोरोना से भी बचाना है, इस कोविड से भी हमको लोगों को बचाना है, लेकिन लोगों की जो धार्मिक आस्था है उसका भी सम्मान करना है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका रोज़गार उससे चलता है, उनकी आजीविका उससे चलती है, उसका भी हमको ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 जुलाई से ये ठीक है क्रमबद्ध तरीके से पूरा खोल दिया जाए, नहीं तो क्रमबद्ध तरीके से खोला जाए, लेकिन खोलना चाहिए धर्मस्थलों।